हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 2021 का घटना चक्र, स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए बिहार स्पेशल लेकर आई हूं। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी 1 से 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ स्पेशली बिहार एसआई के लिए नहीं, जबकि इसके अलावा बिहार के जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे बीपीएससी, बीपीएसएससी या फिर बिहार एसएससी, उसमें भी बिहार से स्पेशली क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो ये जो मैं सीरीज लेकर आई हूँ स्पेशली बिहार स्पेशल से जो रिलेटेड है, बिहार राज्य से जो रिलेटेड है, तो ये सारे एग्जाम जो इस बिहार में कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके लिए ये यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जनसंख्या 2011 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर बिहार का कुल जनसंख्या की बात करें तो वो 10.41 करोड़ है, ठीक है ना, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या है 5,42,78,157 तथा महिला की जनसंख्या है 4,98,21,295। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में कुल 1,106 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वो 25.42% है, जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.60% है। लिंगानुपात यानी अगर सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो किसे कहते हैं, तो किसी पार्टिकुलर एरिया में स्त्री एवं पुरुष की संख्या का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। यानी लिंगानुपात की बात करें अगर बिहार में किया जाए तो प्रति 1,000 पुरुष पर यहाँ 918 महिलाएं हैं, और शिशु लिंगानुपात है प्रति 1,000 जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो मतलब कि शिशु की अगर बात करें तो जिसमें से लड़कों का जन्म होता है, तो प्रति 1,000 पर 945 छोटी बच्चियां हैं। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो ऑल ओवर इंडिया के लिटरेसी रेट में सबसे नीचे पोजीशन पर है, और वो है 61.80% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है तथा महिला साक्षरता दर 51.5% है। अगर ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो वो 59.78% है। तो रूरल एरियाज की जो पुरुष हैं वो 69.67% पुरुष शिक्षित हैं, जबकि महिला मात्र 49% लिटरेट हैं। अगर शहरी साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो 76.86% है, जिसमें से पुरुष 82.56% के साथ तथा महिला 70.49% के साथ। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो गांव में जो पॉपुलेशन रहती है वो एज कम्पेयर टू शहरी जनसंख्या ज़्यादा है, तो ग्रामीण जनसंख्या है 88.71% तथा शहरी जनसंख्या है मात्र 11.29%। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहले पोजीशन पर पटना आ जाता है। पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर 58,38,465 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरे पोजीशन पर पूर्वी चंपारण है, जहाँ पर 50,99,371 पीपल हैं तथा मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पर है, जहाँ पर 48,01,062 व्यक्ति निवास करते हैं। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले की बात करें तो सबसे कम जो लोग जहाँ पर रहते हैं तो वो बिहार का शेखपुरा नामक जिला है, जहाँ पर 6,36,342 मात्र व्यक्ति निवास करते हैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। सेकेंड पोजिशन पर शिवहर आता है, जहाँ पर 6,56,246 व्यक्ति निवास करते हैं तथा अरवल में 7,08,43 पीपल। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 जिले की अगर बात करते हैं तो हालांकि शिवहर की बात करें तो शिवहर पूरे बिहार में सबसे छोटा जिला है, उसके बावजूद भी ये फर्स्ट पोजीशन पर है। किसके अकॉर्डिंग? तो ये अकॉर्डिंग टू जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग पहला पोजीशन पर शिवहर है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1,880 व्यक्ति शिवहर में निवास कर रहे हैं। पटना में प्रति वर्ग किलोमीटर पर कुल 1,823 व्यक्ति तथा दरभंगा में प्रति वर्ग किलोमीटर पर कुल 1,728 व्यक्ति निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले तो वो पहला पोजीशन पर कैमूर आ जाता है, पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर मात्र 488 व्यक्ति निवास करते हैं। कैमूर का दूसरा नाम भभुआ भी है फ्रेंड। दूसरा पोजीशन पर जमुई है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर 568 पीपल तथा थर्ड पोजीशन पर बांका है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 674 पीपल निवास करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं तो पहला पोजीशन पर लिंगानुपात में गोपालगंज आता है, जहां पर प्रति 1,000 पुरुष पर 1,021 महिलाएं हैं तथा सिवान में 1,000 पुरुष पर 988
68 महिला की संख्या तथा सारण जिला में प्रति 1000 पुरुष पर 954 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले तीन जिले तो पहला पोजीशन पर मुंगेर है, जहां पर महिलाओं की संख्या एज कंपेयर टू पुरुष काफ़ी कम है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर मुंगेर में मात्र 876 महिलाएं हैं। तथा भागलपुर सेकंड पोजीशन पर है, जहां पर प्रति 1000 पुरुष पर 880 महिलाएं, तथा थर्ड पोजीशन पर खगड़िया है, जहां पर प्रति 1000 पुरुष पर 8086 महिलाएं हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले तीन जिले, यानी लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे पढ़ा लिखा जो जिला है वो रोहतास है, जहाँ पर 73.37% लोग वहाँ के पढ़े हुए हैं। दूसरा पोजिशन पर पटना है, जहाँ पर 70.68% लोग पढ़े हुए हैं। तथा थर्ड पर भोजपुर है, जहाँ पर 70.4% पीपल भोजपुर के पढ़े हुए हैं। अगर सबसे कम साक्षरता दर वाली जिला की बात करें तो पूर्णिया जो जिला है ना, वो आप सोच लीजिए कि कितना कम लिटरेसी दर है पूर्णिया का, यानी मात्र 51.08% लोग पूर्णिया में पढ़े हुए हैं। सीतामढ़ी के कुल जनसंख्या का मात्र 52.05% वहाँ का लिटरेसी रेट है। और थर्ड पोजीशन पर कटिहार आता है 52.24% के साथ। चलिए यहाँ पर से जो आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, सर्वाधिक महिला जो सबसे ज़्यादा महिला बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ी लिखी है तो वो रोहतास में है, तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सबसे कम महिला पढ़ी लिखी सहरसा नामक जिला की है। तो आप इसे एकदम स्कैन कर जाइए दिमाग में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप बिहार का मैप, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे हम लोग पीछे प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर। तो चलिए आप यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ। देखिए शिवहर, यहाँ पर देखिए शिवहर, शिवहर की बात करें ना तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। सबसे कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी शिवहर सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है शिवहर, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 व्यक्ति का निवास है। चलिए पश्चिम चंपारण की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जिला है ऑल ओवर बिहार का वो पश्चिम चंपारण है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है तो शिवहर है। गोपालगंज यहाँ पर देख लीजिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, ठीक है। पटना की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर निवास कर रही है पटना में, तो कितनी है तो 58,38,465 व्यक्ति, और ये मेट्रोपॉलिटन शहर में आ जाता है पटना महानगर में, ठीक है ना। और कैमूर जिसे भभुआ भी कहते हैं, तो वो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है कैमूर, ठीक है ना। अगर जनघनत्व की बात करें तो सबसे कम जनघनत्व न्यूनतम में है, सॉरी कहाँ है तो कैमूर में है। देख सकते हैं आप यहाँ पर शेखपुरा, शेखपुरा की अगर बात करें तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, ठीक है ना। सबसे कम लोग निवास कर रहे हैं शेखपुरा में। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग रोहतास की तरफ, तो देखिए सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो वो रोहतास ही है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आप यहाँ पर देख सकते हैं मुंगेर। मुंगेर में जो मतलब कि लिंगानुपात है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो मतलब कि महिलाओं की संख्या है, वो सबसे कम मुंगेर में ही है। पूर्णिया जो सबसे कम शिक्षित है, यानी न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सहरसा की बात करते हैं तो न्यूनतम महिला साक्षरता, यानी महिला सबसे कम पढ़ी लिखी कहाँ है तो सहरसा में है। अगर मधेपुरा की बात करें तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आपको बिहार का मैप भी अच्छे से पता चल चुका होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर जिला है पूरे जो 38 जिले हैं, 38 जिला दिया गया है, उसका एरिया दिया हुआ है, तथा उस जिला में कितना पॉपुलेशन है वो सब दिया हुआ है। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप एबल हैं याद करने के लिए तो आप बेझिझक याद कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। बट मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ बेस्ट ऑफ टाइम होगा इतना याद करना, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट था वो हम लोग ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पटना में निवास कर रही है तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है तो शेखपुरा में। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीछे पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वैसे तो टेलीग्राम पर इसका PDF हम लोग प्रोवाइड कर देंगे।
चलिए, इसमें अगर कुछ अगर जानकारी की बात है तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट करती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पहले पोजीशन पर पटना आता है, जिसका एरिया है 3202 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका पॉपुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं 58,38,465 आदमी निवास कर रहे हैं पटना में। अगर सबसे कम पोजिशन पर बात करें कि सबसे कम का जनसंख्या कहाँ है तो पहला पोजिशन पर तो पटना आ जाता है, बट सबसे कम शेखपुरा में निवास करता है। कहाँ? शेखपुरा में, और शेखपुरा का एरिया है 689 किलोमीटर स्क्वायर, और शेखपुरा में मात्र 6,36,342 व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये सब ऊपर नीचे करके, यानी पहला पोजीशन पर पटना, दूसरा पोजीशन पर सॉरी सबसे नीचे निचला पोजीशन पर, निचला पायदान पर शेखपुरा है। अगर एरिया की बात करें तो सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा एरिया वो पश्चिम चंपारण का, आप यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम चंपारण 5,228 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के साथ पश्चिम चंपारण है। शिवहर सबसे छोटा है पूरे बिहार में, मात्र 349 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। तो फ्रेंड्स, ये सब का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और जो आप देख सकते हैं कि रोहतास यहाँ पर कहाँ है, तो ये देखिए रोहतास जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है रोहतास, जिसका एरिया है 3,881 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें जो पीपल निवास कर रहे हैं वो आप रोहतास में देख ही सकते हैं कि कितना पीपल निवास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो क्लिप। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।